खुद ने किया हो ना तो माफी भी खुद को ही मांगनी चाहिए, और अच्छे से माफी मांगना कान पकड़ के। चलो आप। मलार जी आप ना। अंकु प्लीज अंदर जाओ। क्यों, पुलिस की धुलाई होने वाली है क्या? अच्छा ठीक है, जाती हूँ। धोखा दिया आपने मुझे, आपने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला है मुझसे। कैसे आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल दिया? आप मुझसे झूठ बोलते गए और मैं भी बेवकूफ बनती गई, आपकी सारी बातों पे यकीन करती गई। कैसे मला जी, कैसे आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? कैसे आपने मुझे बोल दिया कि आप अपनी के साथ शादी शुदा है और वो के बच्चे की माँ बनने वाली है, और मैंने आप पर यकीन भी कर लिया। कितनी स्टूपिड हूँ मैं, और भी बहुत झूठ बोले होंगे ना आपने मुझसे। हाँ और कितने झूठ बोले आपने मुझसे? हाँ और क्या क्या झूठ बोले, क्या क्या छुपाया आपने? किस मुंह से सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे? सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जिसने कुछ छुपाया है। कब से पूछ रहा हूँ कि इन 5 सालों से कहाँ थी तुम? क्यों मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की तुमने? इन 5 सालों में ख्याल आया कि मैं जिंदा भी हूँ कि मर? कड़ी को हाथ कैसे लगाया तुमने? चाबी दो। सजा है, जब कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करोगे तो सजा तो मिलेगी ना, और झगड़ा करना ना बुरी बात है। अब तुम दोनों को ना मैं सीधा करती हूँ। चलो चाबी। नहीं मुक्कू, नहीं चाबी दो। मुक्कू छोड़ो इसे, ये मुक्कू, मुक्कू मुक्कू रुको, कल्या मुक्कू मुक्कू रुको, कल्या मुक्कू 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 देख, मुक्कू देख प्लीज हथकड़ी खोल दे, मुक्कू मुक्कू ये जब मैं गली के लड़कों के साथ झगड़ा करती थी ना, तो अम्मा भी मेरे को ऐसे ही कमरे में बंद करती थी। अब ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम लोग की मांडवली नहीं हो जाते। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया, हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, अब नीच कौन साबित हुआ? बोलो बोलो, इसका बच्चा नाजायज है? औसत जाने दीजिए ना, उस बच्चे को क्या कोसता जो इस दुनिया में आया ही नहीं है। वाह 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 वाह, जगत माते धन्य है। अरे भूल गई क्या, तुम्हारी बेटी की बेइज्जती भी इसी औरत ने की थी। हाँ तो इसी की लायक है ना इनकी बेटी, इनकी बेटी की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी जब सबको पता चलेगा कि मेरा बच्चा? मेरी जिंदगी खराब कर दी आपकी बेटी ने। ऐसा नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ। अरे 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 अरे, कहाँ लेकर जा रहे हो इतनी जल्दी? क्या हुआ वकील साहब, दोहाल जीवन का सारा उत्साह खत्म हो गया क्या? बहुत नाच रहे थे, दोहाल जीवन करना है, दोहाल जीवन करना है, यही करना है।
उत्साह देखकर हमें तो ऐसा लगा कि बच्चा इसकी कोख में नहीं तुम्हारी कोख में पल रहा है। अजीब, चलिया। कल्याणी यहाँ क्यों लाई हो तुम मुझे? यहाँ क्यों लाई हो मेरे घर पे? क्या लगता है तुम्हें? मोक्ष का वास्ता देके तुम मुझे रोक लोगी? विवेक की मौत मेरे हाथों लिखी है। मलाजी नहीं, मलाजी रुक जाइए। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखिए मलाजी। आपकी इसी गुस्से की वजह से आप एक गलती कर चुके हैं मुझ पे गोली चलाकर। उस वजह से आपका डिमोशन हो गया था और अब आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं आप? कि आपकी नौकरी चली जाए? मैंने तुम पे गोली नहीं चलाई थी कल्याणी। मैं त्रिलोक पे गोली चला रहा था, उस पर निशाना लगाया था मैंने और निशाना चूक गया और गोली तुम्हें लग गई। तुम्हें लगता है मैंने तुम पे गोली चलाई थी? सोच भी कैसे लिया तुमने कल्याणी? मैं जीते जी मर जाऊंगा कल्याणी, लेकिन तुम पे आज नहीं आने दूंगा। तुम्हें सच में ऐसा लगा मैंने तुम पे गोली चलाई थी कल्याणी? तुम्हें लगा कि मैंने तुम पे गोली चलाई थी? मलाजी, मलाजी, तेरा मेरा ये सफर जाने ले आया किधर, ख्वाब देखे थे जो हो गए हैं चूर, ये माना दिल दाही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर, माना दिल दाही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। बच्चा दिला दो ना भगवान, नहीं तो फिर समोसे कैसे मिलेंगे? हाँ अरे मिला दो ना, बहुत भूख लगी है। अब किसका फोन आ गया? अरे ये तो आईफाई का फोन है। देख फोन उठा के, हो सकता है तेरी आईफाई को मोक्ष मिल गया हो। हाँ उठा के देखती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो कल्याणी, अगर तुम्हें मोक्ष से मिलना है तो आज शाम 7 बजे गणेश मंदिर के आगे वाले गार्डन के पीछे वाले गेट पे आके मुझसे मिलो। और हाँ, मुक्कू को अपने साथ जरूर लाना। अगर इस बारे में तुमने मल्हार या किसी भी पुलिस वाले को कुछ भी बोला ना तो मोक्ष तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। मोक्ष का नाम सुन के कल्याणी यहाँ जरूर आएगी। अब उसे क्या पता कि जिस मुक्कू को वो अपने साथ ला रही है वही मोक्ष है। बस एक बार मोक्ष मेरे हाथ आ जाए फिर मैं इस कल्याणी को जख्मी करके मोक्ष को लेके यहाँ से भाग जाऊंगी। एक बार मोक्ष को मैं उस आदमी के हवाले कर दूं फिर मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी। यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी मैं, बहुत दूर। हम लोग को अब कैसे भी आईफाई को उनका मोक्ष दिलाना पड़ेगा। लेकिन वो जो फोन आया था ना उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अरे वो तो ठीक है, पर तेरी आईफाई हमारे साथ नहीं है, फिर वो फोन वाली आंटी हमको मोक्ष थोड़ी ना देगी। अरे टेंशन लेने का नहीं देने का, अब उनके पास एक मस्त आइडिया है। टका टक
टकाटक। अपुन भी देखते हैं कि ये फोन वाली आंटी मोक्ष को कैसे नहीं देती है। मल्हार जी, अगर ये सच था तो आपने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया मल्हार जी? मैं टूट चुका था कल्याणी। तुम्हें और मोक्ष खोने के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि किसी के ताने किसी की गालियों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मल्हार जी, मैं कभी तुम पे आज नहीं आने दे सकता। मैं मानती हूँ मल्हार जी, मैं मल्हार जी, आपके घर की खिड़की से कोई भाग रहा है। ए रुक, हट। अरे आहिर, कहा था मैंने इसे कमरे के अंदर रहने के लिए, तानी कहाँ चली गई ये लड़की? हेलो, हाँ मैं डॉक्टर मोहिते बोल रहा हूँ। ये आपकी बेटी का नाम मुक्कू है क्या? हाँ, मेरी बेटी का नाम मुक्कू है। कहाँ है वो, क्या हुआ? आपका एड्रेस? अच्छा, डॉक्टर मोहिते इस क्लिनिक जी। हाँ, मैं पहुँच रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो आसपास ही, हाँ मैं तुरंत पहुँच जाऊँगी। अब ड्राइवर जेपी नगर रोड। ड्राइवर वो आगे लेफ्ट में, रुक दो। दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, अरे कहाँ भाग रहा है दुर्गा प्रसाद? जाने किसे देख के भाग गया दुर्गा प्रसाद? सुनिए ना, आप जरा प्लीज दुर्गा प्रसाद के पीछे जाइए, मुझे अर्जेंटली क्लिनिक के अंदर जाना होगा। आप उसे लेकर आइए। हाँ आंटी, इसलिए हम लोग अम्मा को इधर पे लेके आए हैं ताकि उसे होश आ जाए और वो आपको मोक्ष का पता बता सके। मुक्कू की नानी ने मुझे मोक्ष के बारे में बताने के लिए कॉल किया था, कि मुक्कू की नानी को मोक्ष के बारे में कैसे पता? ये क्या कनेक्शन है? ये सब सिर्फ एक नाटक था। हो कौन आप? कौन है आप? हम मेरे मोक्ष के बारे में कैसे जानती? बताइए मेरे मोक्ष के बारे में कैसे जानती हैं आप? मेरा पैंट मत गिरना। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, जवाब दीजिए मुझे। आप ऐसे जवाब नहीं देंगी, ठीक है?
पुलिस के पास लेकर जाती हूँ मैं आपको। पुलिस ही सीधा करेगी आपको और तभी आप मुझे जवाब देंगे। छोड़ो छोड़ो, कौन है? छोड़ो, कौन है आप? मुझे मोक्ष के बारे में कैसे जानती हैं आप? देखिए, मैं मोक्ष की माँ हूँ और मुझे किसी भी हालत में मेरा बच्चा वापस चाहिए। बताइए मोक्ष कहाँ है? बताइए मोक्ष के बारे में कैसे जानती हैं आप? अरे छोड़ो मुझे, अरे कौन है आप बताइए ना। पैंट छोड़, मेरी पैंट उधर जाएगी। अरे सबको पता चल जाएगा कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। क्यों क्यों किया तुमने ये सब? अपने खुद के भाई को उनके बच्चे के लिए क्यों तरसाया? क्यों तुमने मुझे अपने बच्चे से 5 साल तक दूर रखा? क्यों इस नन्ही सी जान को 5 साल तक उसके माँ बाप से दूर रखा? बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है, बिगाड़ा है तुमने और दादा ने। 5 साल जेल में गुजारे मैंने, और जानती हो जेल की पथरीले फर्शों पर रातें गुजारने से क्या असर पड़ता है? अरे भावनाएं खत्म हो जाती है सारी। और सच बताऊं, मुझे मोक्ष को मारने में ना कोई भी तकलीफ नहीं हो रही। और असली खुशी पता कब मिलेगी? जब तुम्हारा बच्चा मरेगा और जिंदगी भर जब तुम्हारे आंसू निकलेंगे ना, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। कल्याणी, तुमने सब मुझसे मेरे 5 साल नहीं छीने, तुमने मेरे दादा को भी मुझसे छीन लिया। मेरे 5 साल मुझसे छीन लिए। दादा बड़ा प्यार करते थे मुझसे, हाँ? तुम्हारी संगत में आके दादा मेरे खिलाफ हो गए। मेरी जिंदगी में सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा तुमने। आई देखो, मेरी बात सुनो। देखो कुछ ऐसा मत करो कि तुम्हें दोबारा जेल जाना पड़े। अरे कौन भेजेगा जेल मुझे? पलाश जी को जब सच पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और कौन बताएगा सच? हाँ, अरे जब यहाँ से बचकर जाओगे तब बताओगे ना दादा को। और तुम दोनों को आज मरना होगा। नहीं। और मेरे हाथों से मरना होगा। छोड़ो मेरी आशा को, छोड़ो। ठीक है, तुम चलो। पांच साल तक मैं तड़पता रहा। बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तक तो सिर्फ मैं मोक्ष को ऊपर वाले के पास पहुंचा रहा, लेकिन अब पूछ रहा हूँ उसके साथ साथ तुम्हें भी मोक्ष प्राप्ति करा दूं। खबरदार, जब तक गंदी जुबान से मेरे बच्चे का नाम भी लिया तो। नाम नहीं लेता हूं, पर जान तो ले सकता हूं ना। हां, जान तो ले सकता हूं तुम लोग की। 5 साल तक मैं जेल में तड़पता रहा। छोड़ दो मेरी आवाज़ को।
प्लीज गिरना मत, मेरी एफआई को चोट लग जाएगी। नहीं नहीं मत गिरो, मत गिरो प्लीज। अरे यार गाड़ी कैसे चालू हो गई? नहीं वो फुटेज दिखाते रहो, मुझे किसी भी हालत में वो बच्चा चाहिए, किसी भी हालत में। हाँ ठीक है। अपने भाई के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए उस बच्चे को ढूंढना ही होगा। उस बच्चे का कुछ पता चला? मुझे वो बच्चा किसी भी हालत में चाहिए पवार। पुलिस को तो पता ही नहीं है कि वही मेरे बाबा हैं। अब मैं कैसे देखूं उनको? अच्छी तरह से उस लोकेशन की जांच करो। मैं भी उस लोकेशन का वीडियो चेक कर रहा हूँ। आसपास के लोगों से पता लगाओ कि ये जगह किसके नाम पर है। पुलिस, पुलिस, अरे पुलिस मेरी बात तो सुनो। ओ पुलिस, मैं ही तुम्हारा मोक्ष हूँ। अरे पुलिस, अरे पुलिस, मैं मोक्ष हूँ। देखो ना मेरी तरफ, बाबा हो तुम मेरे। अरे सुनो, ओ पुलिस, पुलिस। अरे पुलिस, कान में क्या भोंकू लगा के रखा है तुमने? कानपुर में हड़ताल है क्या? मेरी बात तो सुनो, बाबा हो तुम मेरे, देखो ना मेरी तरफ। अगर ये बच्चा इसी गैंग के साथ जुड़ा रहा तो आने वाले वक्त में ये बच्चा बहुत ही शातिर और खतरनाक मुजरिम बन सकता है। उस बच्चे को रिमांड होम पहुंचाने के लिए आपकी बहुत जरूरत है। बाबा, पुलिस, बाबा, पन ऐसा है, पुलिस तुम मेरे बाबा है ना? नहीं नहीं पिल्लू, देख इन्हें बाबा मत बोल। चल, मुझे बाबा से मिलना है। किसी ने बाबा बोला क्या? लेकिन क्यों? मैं पुलिस को बाबा क्यों नहीं बुला सकता? तुमने ही तो बोला था ना आए पाए कि वही मेरे बाबा है। मुझे मेरे बाबा से मिलना है, मुझे अभी मेरे बाबा चाहिए। चलो ना आए पाए, मुझे उनकी गोदी में एक बार चढ़ने का है। वो थोड़े से खड़ूस है लेकिन फिर भी मुझे एक बार उनको पप्पी देने का है। और फिर मैं बाबा से बोलूँगा कि मेरे को साइकिल ला के दे। वो खुद ही पीछे से पकड़ के मुझे साइकिल चलवाना सिखाएंगे और फिर ना मैं पुलिस की परी बनूंगी। यार कितना एड़ा हूँ ना मैं परी क्यों बनूंगा? मैं तो परा बन गया हूँ ना। मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ? मुझे बार बार लड़कियों की तरह बोलने की एक्टिंग जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे को अभी अपने बाबा से मिलने का है। मैं पुलिस का बेटा हूँ ना,
इसलिए मेरे को उनको बताने का है कि मैं ही उनका मोक्ष हूँ और वही मेरे बाबा हैं। अब चलो आफर। नहीं, प्लीज प्लीज अभी नहीं बिल्लू, प्लीज अभी नहीं। अरे आफर रोका क्यों ले लियो? नहीं नहीं, इस हालत में मैं बिल्लू को मल्हार जी से नहीं मिलने दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ ना मल्हार जी को, ये जानकर भी कि मोक्ष उनका बेटा है, वो कभी अपनी वर्दी के साथ दगाबाजी नहीं करेंगे। मैं मेरे पिल्लू को रिमांड होम नहीं जाने दूंगी। मैं पिल्लू को मल्हार जी से दूर रखूंगी। पिल्लू की भलाई के लिए मुझे अब ये करना ही होगा। अच्छा पिल्लू, तू अपने बाबा से मिलना चाहता है ना? मैं तुझे बाबा से मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना तुझे काम करना होगा। अभी अभी मैंने न्यूज पर यह खबर सुनी है सर, आहिर के मौत से मल्हार तो एकदम टूट गया होगा। अभी अभी तो उसका भाई मिला था उसे। आहिर की हत्या हुई? लेकिन तुमने तो कहा था कि वो आउनी के साथ शादी करने वाला है। हाँ, और अवसाहब चौंकने की बात तो ये है कि उसकी हत्या किसी बच्चे ने की है। परमेश्वरा, बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। समाना तो बद से बदतर होता जा रहा है अवसाहब। कि कल्याणी जब रात रात भर बाहर रहती है ना, तो मुझे तो उसकी बहुत चिंता होती है साहब। आज भी देखिए ना साहब, वो मुक्कू को ढूंढने गई है, फोन भी नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।